नमस्कार साथियों, 11th फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम जिसका मॉड्यूल नंबर 3, जिसका विषय है रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था। रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था के बारे में हम विस्तार से समझेंगे। उससे पहले हम देखते हैं कि विद्यार्थी इसे पढ़ने के बाद क्या क्या सीखेंगे, उसके आउटकम्स क्या रहेंगे। तो ब्रिटिश कालीन भू राजस्व सुधार क्या है और ब्रिटिश कालीन भू राजस्व सुधार के प्रकार है, जिसमें एक एक महत्वपूर्ण प्रकार है जिसका नाम है रैयतवाड़ी व्यवस्था, उसके बारे में विस्तार से समझेंगे। रैयतवाड़ी व्यवस्था के उद्देश्य और प्रभाव क्या है, इसके बारे में भी विद्यार्थी विस्तार से समझ पाए। रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था जो है वो ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्थाओं में से एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था थी स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, जो कि ब्रिटिश कालीन भारत के 19% क्षेत्र पर लागू थी। वहीं रैयतवाड़ी व्यवस्था की बात की जाए तो ये ब्रिटिश कालीन भारत के 51% भूभाग पर लागू थी, और महलवाड़ी व्यवस्था जो है वो ब्रिटिश कालीन भारत के 30% भूभाग पर लागू थे। हम बात करें क्षेत्र की, तो ब्रिटिश कालीन जो भू राजस्व व्यवस्था है उसमें रैयतवाड़ी व्यवस्था है वह किन किन क्षेत्रों पर लागू थी। सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है बम्बई, मद्रास, पूर्वी बंगाल, कुर्ग और असम। इन क्षेत्रों पर रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू थी। इसके बाद हम बात करें, इसका सीधा सीधा मतलब हो रहा है कि यह रैयतवाड़ी व्यवस्था सामान्यतः दक्षिण भारत पर लागू की गई। रैयतवाड़ी व्यवस्था के महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? रैयतवाड़ी व्यवस्था में महत्वपूर्ण तथ्यों में हम पढ़ेंगे, इस व्यवस्था के जनक टॉमस मनरो एवं कैप्टन रीड थे। 1792 ईस्वी में मद्रास के बारामहल जिले में पहली बार कर्नल रीड ने इस व्यवस्था को लागू किया। अगले तथ्य पे बात करते हैं, 1820 से 1827 ईस्वी में मुनरो द्वारा इसे मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू किया गया। वही बंबई प्रेसिडेंसी में 1825 ईस्वी में एल्फिंस्टन द्वारा इसे लागू किया गया। रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत हम देखेंगे उत्तरदायी कारण क्या है, विशेषताएं क्या है, परिणाम क्या है। परिणाम में हम दो तरह के परिणाम देखेंगे, रैयतवाड़ी व्यवस्था से किस प्रकार सकारात्मक परिणाम आए और किस प्रकार से नकारात्मक परिणाम देखने को हमको मिलते हैं, और महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं उत्तरदायी कारण। उत्तरदायी कारणों में हम देखते हैं क्या ऐसी व्यवस्था, क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू करना पड़ा। इससे पूर्व में स्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया गया था। पहली बात देखें तो ब्रिटिश आवश्यकताओं की वजह से इसे लागू किया गया। कारण, उसका कारण रहा स्थायी बंदोबस्त में भू राजस्व की राशि निश्चित कर दी गई थी, इसलिए एक ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता थी जिसमें भू राजस्व राशि जो है उसका निर्धारण किया जा सके। यूरोपीय विचारधाराओं के कारण भी इस व्यवस्था को लागू किया गया। इस विचारधारा के समर्थक थे बेंथम की उपयोगितावादी विचारधारा, जिसकी वजह से इस व्यवस्था को लाया गया। बिचौलियों की समाप्ति पर बल देने पर बात की गई। रिकार्डो ने अधिशेष को किराया बताया और दक्षिण भारत की भौगोलिक परिस्थितियों की वजह से भी इसे लागू किया गया, क्योंकि वहां पर जमींदार जैसा कोई वर्ग नहीं था। ब्रिटिश राज्य का विस्तार दक्षिण और पश्चिम भारत में ज्यादा हुआ, जिसकी वजह से इसे लागू किया गया। पूर्वी बंगाल के जमींदार जैसा कोई स्पष्ट वर्ग नहीं था। बंगाल के जैसा जो जमींदार वर्ग जो बंगाल में था, ऐसा जमींदार वर्ग दक्षिण भारत में या पश्चिमी भारत में देखने को नहीं मिलता है, इसलिए इस व्यवस्था को लागू किया गया। भूमि की उपजाऊ क्षमता और जोतों का आकार भिन्न भिन्न हुआ करता था, जिसके कारण निर्धारण नहीं किया जा सका। विशेषता की बात करें तो किसान को भू स्वामी मानकर उसके साथ समझौता किया गया। सर्वप्रथम ऐसी व्यवस्था लागू की गई, सर्वेक्षण करके किसानों को भूमि पट्टा भी प्रदान इस व्यवस्था के तहत किया गया। रैयतवाड़ी व्यवस्था में निर्धारण का समय 20 से 30 वर्ष किया गया, जिसमें भू राजस्व का निर्धारण किया जा सके और लगान चुकाने के लिए भूमि को किसान गिरवी रख सकता था या बेच सकता था, यह अधिकार भी किसान को दिया गया था। 1792 में कर्नल रीड ने बारामहल में पहली बार इसे लागू किया। 1810 में टॉमस मुनरो ने मद्रास में इसे लागू किया। 1822 में एल्फिंस्टन ने बॉम्बे में इसे लागू किया, और यह व्यवस्था तीनों भू राजस्व व्यवस्था में सबसे बड़ी भू राजस्व व्यवस्था थी, जिसने ब्रिटिश कालीन भारत का 51% भूभाग पर यह लागू की गई। आगे हम बात करें रैयतवाड़ी बंदोबस्त के परिणाम क्या रहे। इसके दो प्रकार के परिणाम रहे, सकारात्मक परिणाम और नकारात्मक परिणाम। सकारात्मक परिणाम ये थे कि किसान स्वतंत्र था, बिचौलियों की समाप्ति हो गई, सरकार व किसान के बीच में प्रत्यक्ष संबंध हो गया, किसी प्रकार के जमींदार या मध्य वर्ग का स्थिति नहीं रही। नकारात्मक परिणाम क्या रहा, भू राजस्व की राशि 50% तक वसूल की जाती थी, किसानों को साहूकारों से कर्ज लेकर भुगतान करना पड़ता था, नकदी फसलें बोने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा दबाव बनाया जाता था, और इस नकदी फसल के बीज के लिए
किसान साहूकारों के पास जाता था, अपनी जमीन को गिरवी रख देता था। किसान और साहूकारों के शोषण जो है किसान जो है वो साहूकारों के शोषण का शिकार हुआ, जिसकी वजह से उसकी ऋणग्रस्तता बढ़ी, महाजनों का शोषण हुआ और किसान दास बनता गया। पूंजी का अभाव था, साहूकार और महाजन बिचौलिए की भूमिका में सामने आए। इसके बाद ही किसान की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई थी। इस रैयतवाड़ी व्यवस्था को पूरा देखने के पश्चात विद्यार्थियों को अपना असेसमेंट करना चाहिए, जिसके तहत हम देखते हैं सबसे पहले कैप्टन रीड तथा टॉमस मुनरो, यानी प्रश्न क्रमांक एक है, कैप्टन रीड तथा टॉमस मुनरो भू राजस्व की किस व्यवस्था के प्रतिपादक थे? ऑप्शन ए स्थायी बंदोबस्त, ऑप्शन बी रैयतवाड़ी बंदोबस्त, ऑप्शन सी महालवाड़ी बंदोबस्त, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा आपका रैयतवाड़ी बंदोबस्त। प्रश्न क्रमांक दो, रैयतवाड़ी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? ऑप्शन ए किसानों के साथ, ऑप्शन बी मजदूरों के साथ, ऑप्शन सी जमींदारों के साथ, ऑप्शन डी व्यापारियों के साथ। तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन ए किसानों के साथ। रैयतवाड़ी व्यवस्था बंबई में कब लागू की गई थी? तो इसका ऑप्शन ए 1820, ऑप्शन बी 1825, ऑप्शन सी 1830, ऑप्शन डी 1836। इसका उत्तर होगा 1825। थैंक्स फॉर वॉचिंग।